मगर भी अब वो हॉस्पिटल बनकर उसमें जब उद्घाटन ही नहीं हुआ। गर्भवती महिला जब तो पैदाइश होती है तो अब बनारस ले जाना पड़ता है। हॉस्पिटल खुला आज के लोग इसमें कोई डॉक्टर आया नहीं, जो है तो झोला छाप डॉक्टर बहुत ज्यादा है। अरे तो हम बोले मांग कर ले नहीं होता तो का कर जाए, प्रधान कहन के हमारे हाथ में नहीं हो। किसी भी व्यक्ति की आधारभूत आवश्यकता रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा होती है। सरकार आम जनता के लिए बहुत सारी स्वास्थ्य योजनाएं लागू करती हैं लेकिन वो जनता तक नहीं पहुंच पाती, जनता उसके अभाव में भटकती रहती है। यही स्थिति कोटवा गांव के मुस्लिमपुरा बस्ती की है कि यहाँ स्वास्थ्य केंद्र है लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है क्योंकि भवन 15 साल पहले बना था और अब जर्जर अवस्था में पहुंच चुका है। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के तहत एक सब सेंटर खोला जाता है 5,000 की आबादी पर। यदि आबादी 30,000 है तो एक PHC प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाता है और यदि आबादी 1,20,000 की है तो एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर खोला जाता है। और इस ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र में एक चिकित्सा अधिकारी और 14 पैरामेडिकल पढ़ाई किए व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है एक जर्जर भवन के अलावा। सरकार की योजनाएं केवल कागज पर चल रही हैं, सरकार के जो अधिकारी हैं या जो प्रशासनिक अमला है वो इसे बेखबर है और इस गांव के लिए जो चीज़ें करनी चाहिए स्वास्थ्य को लेकर वो ठंडे बस्ते में है। यहाँ के लोग इस बात को लेकर परेशान भी हैं कि हमको थोड़ी सी असुविधा या बीमारी होने पर दूर तक जाना पड़ता है और पैसा खर्च करना पड़ता है। आपका नाम क्या है? फतेह मोहम्मद। आप इस गांव में कब से रह रहे हैं? नहीं, हम लोग को पैदाइशी है यहाँ। आपके गांव में जो स्वास्थ्य केंद्र है वो उपलब्ध है? जी नहीं। बना तो हुआ है? हाँ बना हुआ है मगर आज तक उद्घाटन तब से नहीं हुआ उसका। कब से बना है ये? अब इतना संग तो ख्याल नहीं है, और तब वो 15 साल के करीब तो हो गया। तो क्यों उद्घाटन नहीं हुआ? अब ये सब हम लोगों के नालेज में तो है नहीं। आप लोगों को कभी इलाज की जरूरत नहीं पड़ती है? नहीं, इलाज की बहुत जरूरत पड़ती है, बहुत दिक्कत उठानी पड़ती है हम लोगों को। मगर भी अब वो हॉस्पिटल बनकर उसमें जब उद्घाटन ही नहीं हुआ कुछ। जब बन के तैयार हुआ तब कभी कोई निरीक्षण के लिए या कभी कोई अधिकारी या नहीं? एक आध दो बार तो निरीक्षण हुआ मगर उद्घाटन या उसमें डॉक्टर ये सब नहीं हुआ। तो आप लोगों ने कभी इसके लिए मांग नहीं की अपने प्रधान से? नहीं, मांग तो बहुत हुआ, मांग तो अभी भी हो रहा है कि भाई हमारे लिए कोई बढ़िया सा हॉस्पिटल लाइए सरकारी। तो वो भवन अब तो जर्जर हो गया है? हाँ जर्जर हो गया है, वो चलने लायक तो है ही नहीं है। अगर निर्माण होगा नए सिरे से होगा तभी कुछ होगा भाई। ऐसे में तो भाई मरीज के भी खतरा है और जो उसमें डॉक्टर भी रहेंगे उनको भी खतरा है। लेकिन अभी उस पर कोई परिवार रह रहा है? हाँ परिवार रह रहा है। उस पर क्या कहना चाहेंगे? भाई देखिए वो तो सरकारी संपत्ति है भाई, वो सरकार के हाथ में है, वो जब चाहेगा उसको खाली करेगा। आप बीमार पड़ते तो कहाँ जाते हैं? हम लोग बीमार पड़ते हैं तो बनारस जाते हैं इलाज कराने के लिए। जरा सा अगर बुखार होता है या थोड़ी बहुत जो दिक्कतें होती हैं हाँ, उसके लिए भी आपको बनारस जाना नहीं, पड़ता नहीं, है? वो तो छोटा छोटे डॉक्टर यहाँ पर कहते हैं। तो उनकी फीस लगती है? नहीं फीस नहीं लगती है, वो दवा देते हैं फीस नहीं। तो हाँ एक सरकारी पंचायत भवन में जो तो दुकान है, डॉक्टर लोग वहाँ आते हैं बैठते हैं, होम्योपैथिक आयुर्वेद ये सब दवा जो तो देते हैं। हाँ 1 रुपया पर्ची लगता है। अच्छा दवा दवा वो सब देते हैं 1 रुपये में? हाँ गर्भवती महिला जो पैदाइश होती है तो बनारस ले जाना पड़ता है और यहाँ पर जो है तो झोला छाप डॉक्टर बहुत ज़्यादा है, ऑपरेशन कर देते हैं उल्टा के सीधा कर देते हैं। कौन से हॉस्पिटल है? बहुत से जो तो पकवा नारे पे जो तो बहुत से हॉस्पिटल अपना अपना छोटा छोटा खोल कर रखे हैं, नर्सिंग होम, उसमें जो तो महिला जाती है डर लगता है और बहुत से बहुत महिला की जान भी चली गई। और हम लोगों के यहाँ हॉस्पिटल न रहने से भाई जो नीचे क्लास वाले हैं वो नज़दीक के हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ की जो सुविधाएं नहीं मिलती है, इसलिए जो है तो उसमें जो है तो बहुत सारी के डेथ भी हो जाती है। अब शहर जाने का मतलब ये है कि कम से कम 150,000 रुपया चाहिए, उतना लोगों के पास है नहीं।
स्वास्थ्य केंद्र की बात आप अपने जो वार्ड मेंबर हैं या प्रधान हैं उनके सामने कभी रखे? हाँ, उनके सामने भी रखाया गया है, सेक्रेटरी के सामने रखा गया है। क्या कहते हैं? आश्वासन मिलता है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम आलमगीर अहमद। क्या करते हैं आप? मीनारी काम करते हैं। आपके गाँव में क्या क्या सुविधाएं हैं? सुविधा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। हॉस्पिटल खुला आज के लोग, इसमें कोई डॉक्टर आके आया ही नहीं। जो स्वास्थ्य केंद्र है जी, वो तो एकदम टूटने की स्थिति में है। हाँ, जो भी है तो यहाँ के प्रधान के काम है ना। तो आप लोगों ने कभी प्रधान से कहा नहीं? कहते हैं मगर कोई इसका लाभ नहीं मिल पाता, कोई सुनता ही नहीं। सुनता नहीं तो आप लोग इलाज के लिए कहाँ जाते हैं फिर? अब जैसे रात बिरात हो गया, यहाँ कोई सुविधा नहीं होता तो लौटा जाते हैं या फिर लल्लापुरा चले जाते हैं। मामूर गए कहाँ आदमी गए होता इसी जगह, सब प्राइवेट दिखाना पड़ता आपको जी। यहाँ स्वास्थ्य केंद्र है? नहीं, मोहल्ले में नहीं है, प्राइवेट है। नहीं, मैं सरकारी पूछ रही हूँ। नहीं, सरकारी नहीं है। तो क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि सब सुविधा मिले, यहाँ हॉस्पिटल हो या सरकारी, सब कुछ का सुविधा आराम। तो यहाँ पर एक बना था, आपको पता है? एक स्वास्थ्य केंद्र बना था, वो पता है? नहीं, हमको नहीं मालूम। मजीद मजीद जी, बताइए कि आपके गांव में सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है? नहीं है। नहीं, एक बना हुआ है। अब बना रहा तो चालू भाई बहन है, कल सब टूट फूट गल खत्म हो गए, उसमें कोई रहता भी है? हाँ, इस पर क्या कहना चाहेंगे? अरे अब यहाँ बने के चाहिए और का। जो बना था वो चालू क्यों नहीं हो पाया? अब पता नहीं, चालू नहीं हुआ आज तक। आप प्रधान से नहीं पूछे? अरे कितना प्रधान तब से ऐलन गैलन, मगर कोई नहीं चालू कर। अरे अब शहर जाए के होला। अरे तो हम बोले मांग कर ले, पूरे नहीं हो बात तो का करल जाए? किससे मांग किए थे? हाँ, किससे मांग किए? अब जैसे प्रधान कहन के हमारे हाथ में नहीं हो तो कहाँ हमने जाए? हमारा नाम है जायदा। आप कहाँ की रहने वाली है? अब हम रहने वाली है वहाँ जालुपुर गौरा मुस्तफाबाद। तो इसके पहले कहाँ रहते थे आप? इसके पहले हम गांव में रहते हैं। तो गांव में क्या, किसका घर? जमालू बनिया। हाँ, किराए से रहते हैं? हाँ, किराया पर। और क्या काम करते हैं? बुनाई करते हैं, नारी बाना साड़ी बिनाते हैं। मुझे ये बताइए, जब आप वहाँ रहती थी तो यहाँ क्यों आ गए? गांव के लोग कॉलेज सब तक कॉलेज की जाके बन के छूटा ना, हगाई मिटाई होते हैं, सफा करके रहो। किराए के घर में रहते थे तो दूसरा किराए का घर लेना था? घर नहीं मिलता है तब यही ठना के सफा करके रहे। कब से रह रहे हैं यहाँ? छह साल हो गए। हाँ। तो जब आप यहाँ रहने आए तो गांव वाले कोई विरोध नहीं किया आपसे? नहीं, कोई नहीं। ये सरकारी संपत्ति है जी, तो सरकारी संपत्ति में इस तरीके से रहना अवैध, तो आप तो इसमें रह रही हैं, तो ये तो गलत है ना? जी बहन जी, आपको कागज हम दिखा देंगे। आज के वकील भी कह के गया है प्रधान से कि उसको दिया जाए तो निकाला जाए। बताओ तो, हमें ठिकाना नहीं है, कोई बसाई अपने घर में। मल्लू नाम है। आप क्या काम करते हैं? बिनाई कटघर का। हम ये सुन रहे हैं कि ये जो आप जहाँ रह रहे हैं ये सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है गांव के लिए, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र चल नहीं रहा है और आप इस पर रह रहे हैं। हाँ। तो ये माना जाए कि आपने कब्जा कर लिया है? नहीं जी, तहसील में मैंने कहा। क्या कहा? कि भाई हम कब्जा नहीं किए हैं, जब चाहेंगे हम खाली कर देंगे, सरकारी चीज है। खाली करने के लिए तो कई बार बोले हैं आपको, तो आपने खाली नहीं किया? क्यों नहीं खाली किया? ऐसे कि भाई हमको रहने की जगह नहीं था, नहीं मिलता था कोठरी उठरी हमारे पास। तो प्रधान के पास क्यों नहीं गए आवास के? गए आवास खातिन गए, और राशन कार्ड हमारे पर ले हो, बहुत दफे गए, कहाँ खाली करवा कर दे। यहाँ कब से रह रहे हैं? यहाँ तक 5 साल हो गया। 5 साल हो गए, यहाँ एक भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, और जो है वो बिल्कुल मरी अवस्था में है। केवल एक नाम मात्र की जो बिल्डिंग है या भवन है वो बन गया, लेकिन उस पर कभी नियुक्ति नहीं हुई, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए मैम, ये सिर्फ मैं ही नहीं, इस गांव के प्रत्येक नागरिक से आप पूछेंगे तो यही बात बताएंगे कि स्वास्थ्य केंद्र नाम का कोई चीज़ यहां पर नहीं है। और लगभग 15 वर्ष पूर्व हाजी मुनूरुद्दीन जो ग्राम प्रधान हुआ करते थे, उनके शासनकाल में ये स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया था, लेकिन एक भी दिन डॉक्टरों की उपस्थिति यहाँ दर्ज नहीं हुई। बहुत सारा प्रयास किया गया कि कम से कम यहाँ पर जो प्राथमिक दवाइयाँ हैं वो दे दी जाए, ताकि लोगों को जो गरीब वर्ग है, ज़्यादातर यहाँ गरीबी ही है, उनकर समाज से लोग आते हैं और वो भी बहुत ही दबे कुचले लोग हैं,
जो शिक्षा से भी वंचित है, स्वास्थ्य से भी वंचित है। एक होम्योपैथ का दवाखाना, होम्योपैथ का सरकार द्वारा चलाया जा रहा है जो कि ठकुरान बस्ती की तरफ है, लेकिन अब देखिए होम्योपैथ से बहुत निजात मिलने वाला नहीं है। ये मेरी सरकार से मांग है और ये मैं ही नहीं बल्कि इस मोहल्ले के, इस गांव के तमाम लोग यही कहेंगे कि कम से कम प्राथमिक लेवल की दवाएं एक स्वास्थ्य केंद्र बना करके वहां पर मौजूद रहे ताकि छोटी छोटी बीमारियों का निजात होता रहे। जिनके शासनकाल में ये भवन बना, जिस प्रधान के जी, उन्होंने क्या प्रयास किया इसके लिए? देखिए प्रधानों द्वारा तो प्रयास लगातार होता रहता है। मैं वार्ड नंबर 6 से आता हूँ, मेरे जिम में ये है कि भाई मैं स्वास्थ्य विभाग देखूँ। स्वास्थ्य समिति का एक तरीके से अध्यक्ष चुना गया है ग्राम सभा के लिए हमको, तो इस लिहाज से मैं जरूर चाहूँगा कि पब्लिक की भलाई हो जाए और आवाम को दवाइयाँ मिले। प्रधान जी से मैं इस मामले में अनेक बार वार्ता कर चुका हूँ, हालांकि कोई सकारात्मक नहीं निकला। कोई आवेदन या कोई मांग के लिए नहीं गया? नहीं, मैं अपने लेवल से कोई आवेदन नहीं किया हूँ। मौखिक बातें हुई है, जो भी बात हुई है। तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि भाई आपको जब स्वास्थ्य समिति का अध्यक्ष बनाया गया है तो आपकी तरफ से कुछ पहल होनी चाहिए। बेशक होनी चाहिए, एकदम होनी चाहिए, मेरी जिम्मेदारी है। हम तो चाहते हैं कि भाई जो प्रतिनिधि चुने गए हैं, जो प्रतिनिधि चुने गए हैं, पब्लिक जाए उनके यहाँ अपनी बात रखे। प्रतिनिधि हम चुन तो लिए गए हैं लेकिन अथॉरिटी पावर में नहीं है। नाम क्या है? मेरा नाम रिजवान है। आप इस गांव के प्रधान हैं? नहीं, प्रधान पति हूँ। अच्छा, मेरी पत्नी शबनम बानो प्रधान है। अच्छा। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो प्रधान पति है वो महिलाओं के साथ कदम मिला के चलती है और उनके जो काम है, क्योंकि महिलाएं घर पर ज़्यादा रहती हैं तो बाहर के काम वो संभालते हैं। जी। ऐसा हम हर जगह ही देखते हैं जहाँ महिलाएँ प्रधान हैं। मैं ये जानना चाहूँगी कि अभी जो यहाँ स्वास्थ्य केंद्र है जो मुस्लिमपुरा बस्ती में है, अभी हम गए थे, वो बहुत जर्जर अवस्था में, तो क्या यहाँ स्वास्थ्य केंद्र की ज़रूरत नहीं है? स्वास्थ्य केंद्र की ज़रूरत है, तो वो ऐसी स्थिति में क्यों है? स्वास्थ्य विभाग ने अभी उसको ग्राम सभा को सुपुर्द नहीं किया है, जिस पर हमने स्वास्थ्य विभाग से बात किया और उसमें एक आदमी कब्जा करके भी बैठा है। स्वास्थ्य विभाग वाले उसको खाली करवा दें, अगर खाली करवा के देते हैं तो मैं उसको मरम्मत करवा करके, और हमारे यहाँ जो डॉक्टर आ रही हैं उनको बैठने के लिए जगह भी नहीं मिल रहा है, जिनको हमने अपने ग्राम सभा के नंदघर में बैठा करके, एक डॉक्टर अर्चना मैडम है उनको बैठा करके हम लोगों को दवा दिलवा रहे हैं, और एक डॉक्टर को हम पंचायत भवन में बैठा करके दवा दिलवा रहे हैं। मतलब दो डॉक्टरों की नियुक्ति? दो डॉक्टर की यहाँ पर नियुक्ति है। और ANM आशा कार्यकर्ता ये सब आते हैं? हाँ, सब लोग आती हैं। तो ये स्वास्थ्य विभाग से हमारी विनती रही है कि वो उसको खाली करवा के दें हमको। उनका उसमें कब्जा है, यानी एक सरकारी भवन है जिसमें अवैध रूप से वे लोग रह रहे हैं, तो इस पर आप कोई कार्रवाई नहीं किए या उसमें से उनको निकालने के लिए कोई प्रयास नहीं हुआ? एक कार्रवाई पूरी की गई है, प्रशासन को एप्लीकेशन भी दिया गया है और स्वास्थ्य विभाग में भी एप्लीकेशन दिया गया है, और जिसमें अर्चना मैडम हमारे साथ में लगी हुई है उनका भी एप्लीकेशन पड़ा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग से उच्च अधिकारी भी वहाँ पे आए, आने के बाद उन्होंने उसको वार्न किया कि इसको खाली किया जाए, 2-4 दिन का उसको समय दिया गया, उसके बाद फिर दोबारा है, फिर उसको 4 दिन का समय दिया गया, लेकिन वो खाली करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। जिस पर किसी सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है, स्वास्थ्य विभाग उस पर अगर सख्ती से एक्शन लेकर के खाली करवाए, जिसमें ग्राम सभा को दवा लेने के लिए इतनी दूर ग्राम सभा के बाहर के क्षेत्र में, जो हमारे कोटवा ग्राम सभा का नाला चितौनी बॉर्डर पे है, उसके पास में नंदघर बना है, वहाँ से बैठा करके जो हम दवा देते हैं तो सारे लोगों को सुविधा नहीं मिल पाती। तो हम विनती करेंगे स्वास्थ्य विभाग से कि उसको खाली करवा के दे, या तो फिर स्वास्थ्य विभाग उसको ग्राम सभा को सुपुर्द करा दे, ग्राम सभा उसको खाली करवा देगी। ये तो इनका जो अवैध कब्जा 5 साल से है, लेकिन ये जो स्वास्थ्य केंद्र का भवन बना है जी, वो 15 साल हो गए, तो इसके पहले अगर वहाँ पर पहले से संचालित होता रहता केंद्र तो ये स्थिति नहीं आती, तो ये क्यों नहीं हुआ? देखिए इसके पहले की जानकारी तो हमको है नहीं। स्वास्थ्य समिति है, उसके अध्यक्ष जो हैं सागर, उनको लेकर कभी मीटिंग हुई इस बात को लेकर कि स्वास्थ्य केंद्र में कोई काम करना है या उसको लेकर? देखिए मीटिंग तो होती रहती है, उनसे हमारी बराबर बातचीत होती रहती है, चाहता तो सब लोग है कि उसको खाली करवाया जाए, लेकिन वहाँ पे जो मल्लू नाम का आदमी कब्जा करके बैठा है, उसकी वाइफ है, उसकी बहू है, ये लोग आदमी को
फंसाने की कोशिश करती हैं, इसलिए वहाँ पे लोग जाने से डरता है। इसलिए कि कानून के हिसाब से महिला का बयान सर्वप्रथम होता है। अगर वहाँ पे जाने के बाद कोई कपड़ा वपड़ा ये सब फाड़ फूड़ करके कुछ भी अगर बयान देती है तो बेवजह का कानूनी तरीके से फंसने फंसाने की बात है, इसलिए लोग वहाँ जाने से डरते हैं। चूँकि वो वहाँ पर रहने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी को भी बेइज्जत कर सकता है, अपने मान मर्यादा के लिए, चाहे सागर साहब हो, चाहे हम हो, चाहे ग्राम सभा का कोई भी सम्मानित व्यक्ति हो, अपने मान मर्यादा को बचाने के लिए वो वहाँ जाना नहीं चाहता। स्वास्थ्य केंद्र जर्जर पड़ा हुआ है, उसमें अगर कोई आदमी कब्जा करके बैठा है तो मैं अपने ग्राम सभा के सभी लोगों से एक निवेदन करता हूँ कि उसको खाली करवाने के लिए ग्राम सभा का सहयोग करें, ताकि वो खाली हो करके वहाँ डॉक्टर्स को बैठा करके अच्छे से सभी लोगों का इलाज हो और दवाइयों का वितरण हो सके। धन्यवाद। कहानी थोड़ी उलझी हुई है। हम आए थे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र की तहकीकात करने, स्वास्थ्य केंद्र जर्जर अवस्था में नहीं चल रहा है, लेकिन यहाँ आने पर कहानी हमको दूसरी ही पता चली कि इस जर्जर स्वास्थ्य केंद्र में एक परिवार, हस्बैंड वाइफ, एक दंपत्ति रहता है, बूढ़ा दंपत्ति रहता है जो पिछले 4-5 साल से यहाँ रह रहा है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इस गांव के स्वास्थ्य केंद्र को सही तरीके से शुरू करने के लिए प्रशासन और प्रधान क्या कदम उठाते हैं। कोटमा गांव के मुस्लिमपुरा बस्ती से कैमरामैन श्याम सुंदर पासवान के साथ गांव के लोग के लिए मैं अपर्णा, नमस्कार।